सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है इस नए व्लॉग में। निकला है और ये ब्रूनो को घुमाने लेता हूँ, दिल्ली में लेकर आता हूँ यहाँ पर। और ये जब तक यहाँ घूमता नहीं है तब तक इसको तसल्ली नहीं होती। यहाँ सुबह सुबह बहुत लोग घूमने आते हैं ऊपर ही। और ब्रूनो को मुझे दो तीन बार बांधना पड़ता है, जहाँ पानी होता है वहाँ इसको बांधना पड़ता है, क्योंकि ये पानी में घुस जाता है, फिर इसको नहलाना पड़ता है। इसलिए बस इसको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है इसका। बांधता हूँ इसको, फिर पानी आ गया आगे थोड़ा सा। बारिश करीब हफ्ता पहले हुई थी, अब तो बारिश होनी नहीं हो रही। और बहुत लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आगे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन उससे आगे जाने के फिर बंद कर दिया रास्ता, ताला लगा दिया वहाँ पर। दिखाता हूँ वो भी, क्योंकि उनका नुकसान होता है पेड़ों का। और दिखाते हैं आगे चल के आपको वो भी। भाई ये गेट लगा दिया है, यहाँ से आगे पेड़ हैं लगे हुए हैं और झुग्गी वाले आगे रहते हैं, और सब लोग यहीं से घूम के वापस चले जाते हैं। यहाँ से जैसे ये जा रहे सारे भाई चले जाते हैं यहीं से। और यहाँ ताला लगा दिया, देखिए ये ताला लगा दिया इसमें। और ब्रूनो तो अंदर चला गया, यहाँ जगह है ब्रूनो को जाने की, ब्रूनो चला गया अंदर। और पता नहीं कैसे आएगा, मैं भी घुसूँ ना घुसूँ, चलो देखता हूँ, चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। रास्ता तो है, बिल्कुल कैसे निकल जाऊँगा, घास खा अंदर। तो ब्रूनो को घास खाने की पड़ी हुई, देखो घुस के अंदर से गैप करके चलते हैं अंदर, को दिखाते हैं आगे। तो भाई ये बेल देखो कैसी बेल चढ़ रही है ऊपर, और इसमें ये लाल लाल क्या लगे हुए हैं फल, सा कैसे फल देखिए, ये देखिए बिल्कुल रेड कलर के फल देखिए, ये क्या है कमेंट कर बताना जिसको पता हो तो। मुझे पता नहीं ये क्या है। ये देखो अब ये पीले पीले ऊपर हैं, ये लाल ऊपर देखिए हो रखे हैं, ये बहुत हो रखे हैं देखिए, पता नहीं किस चीज़ की बेल है ये। देखिए पोले पोले ऊपर देखिए खाने के, अरे करेले हैं क्या, करेले टाइप के भाई, अंदर से क्या निकला इसके बीज जैसे होता है ना अनारदाना तरह के। बेल देखिए कितने लग रहे हैं ऐसे, काफ़ी बेलें होगी हैं बारिश में, वो देखो सामने सारी जो देख रहे हैं। पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं ये जो लगाए थे, और मैंने आपको पहले भी दिखाए थे पेड़ ये, और काफ़ी हो गए, उनकी छटाई भी होगी नीचे से। ये देखो काट काट के डाल रखी हैं टहनी इनकी सारी। और आगे पेड़ दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया पेड़ आगे भी, पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये पार्क में जो पेड़ है अंदर, कुछ पेड़ लगे हुए हैं कीकर के, या कुछ पेड़ लग गए हैं। तो चिड़ियाँ यहाँ जो होती हैं, चिड़ियाँ मैं कम से कम 8 से 10 प्रजाति की चिड़ियाँ लगा देखता हूँ यहाँ पर, छोटी छोटी बहुत प्यारी लगती हैं, उनको कैप्चर करने से पहले उड़ जाती हैं वो। और बहुत ही बढ़िया चिड़िया इतनी चिड़ियाँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, तो मेरे मन को सच में उनको देख के इतनी खुशी मिलती है, इतना सुकून मिलता है देख के। ये छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, कहीं कोई लाल कलर की, कोई पीले कलर की, कोई सफ़ेद कलर की, तो कई प्रजाति की चिड़िया इसमें जंगल में जैसे पेड़ में रहती हैं यहाँ पर सामने। और जब उनको कैप्चर करने लगता है तो वो उड़ जाती हैं। ये पैरट देखिए उधर जा रहे हैं, पैरट बहुत हैं, मोर अंदर हैं। सच में बहुत खुशी मिलती है जब ऐसी छोटी छोटी चिड़ियों को देखता हूँ, वो कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पाती, उड़ जाती उससे पहले।
ये देखो छोटी चिड़िया काले कलर की है। और एक और बात सोचने वाली है, जैसे कि देखो निरंकार ने 84 लाख जूने बताते हैं ग्रंथ में, 84 लाख जून है, 84 लाख जूनों में कमाता कौन है? सिर्फ एक इंसान ही कमाता है, बाकी देखो जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं या पक्षी हैं ये कहाँ कमाने जाते हैं, इनके लिए दुकानें थोड़ी लगी हुई कुछ। परमात्मा फिर भी इनके लिए भी वसीला करके रखता है, उनको खाने के लिए देता है कहीं ना कहीं से। अब सोचो इतने पक्षी हैं, कितने उनको देते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति हैं, उनको पानी देना अपने अपने परमात्मा ने, सब उसके खेल हैं। तो हमें जितना हो उतने पर संतुष्ट होना चाहिए, बस ये नहीं है कि हम ठीक है मेहनत करते हैं, मेहनत सबको करनी चाहिए। और सोचने वाली बात है, देखो कुदरत ने क्या क्या रंग रखे, एक इंसान को कमाने के लिए छोड़ रखा है। 84 लाख जूनों में से सिर्फ एक जून है जो पैसा कमाती है, और दुकानें हैं काम धंधा सिर्फ एक इंसान ही है, बाकी देखो जीव जंतु परमात्मा उनको लिए भी खाने के लिए देता है। बस परमात्मा को विश्वास रखें, जरूर आपको सफलता मिलती है। अपने काम में लगन से काम करिए, आप भी जो भी काम करें लगन से करें, और परमात्मा सबकी सुनता है। बांध लिया हमने ब्रूनो को, नहीं तो ये पानी में घुस जाता है, ये पानी खड़ा अंदर उसके गंदा हो जाता है ये, इसको बांध लिया जैसे वड़ करके। भाई गेट आ गया अब निकलने के, फिर यहाँ निकलते कैसे निकलते हैं, ब्रूनो पहले निकलेगा। अरे अंकल जी ये तो आप शॉर्ट कट निकाल लिया आपने यहाँ से। देखिए सारे घूम रहे हैं, कह रहे कैसे जुगाड़ करके घुस गए, भाई घुस गया था मैं तो। देखिए अंदर आते ही बाथरूम घुस गया, बस पैर धो इसके पहले नवाब साहब के, तब जाएगा अंदर भी। पानी प्यास लगी तेरे को घूम कर आया तो। भाई हम जा रहे हैं अब गुरुद्वारा साहिब किसी काम से, वो बताऊंगा आपको क्या काम है। और ये भाई मंगल और मैं जा रहे हैं किसी काम से, भगवान ने चाहा तो काम हो गया, फिर बताएंगे आपको क्या काम है, चलते हैं वहाँ पर। भाई क्रेन बड़ी बड़ी आ रखी हैं, किस लिए साहिब ब्लॉक रखेंगे यहाँ पे, देखिए 3-4 क्रेन इकट्ठी। और ये मधुर खादर पे खड़े हैं हम। तो फाइनल दोस्तों पहुँच चुके हैं रकाबगंज साहब गुरुद्वारा, और ये जा रहे हैं दफ्तर में, क्या काम है दफ्तर में वो आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल तो भी डॉक्यूमेंट जमा कर लें, फिर बताएंगे आपको क्या प्रोग्राम था हमारा, क्यों आए थे हम। चलो दफ्तर में चलते हैं, क्या अंदर रकाबगंज गुरुद्वारा साहब आए हुए थे
और डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दिए हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने अभी पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट वगैरह या गुरुद्वारे कमेटी को जमा करा दिए हैं। देखो गुरु नानक देव जी ने चाहा तो हम जरूर पहुँचेंगे वहाँ पर, और हमारा वीज़ा जरूर लगेगा। तो फिर वो करीब 15 नवंबर का है वो, उसके बाद देख लेंगे, अगर महाराज ने किया तो जरूर चलेंगे, गुरु नानक देव जी ने और उसकी बख्शिश हुई तो फिर आपको दिखाएंगे पाकिस्तान। तो फिलहाल अभी जमा कर दिया हमने पासपोर्ट मंगल और हमने, तो करीब फार्म अभी बता रहे थे कि 300 फार्म करीब जमा हुए हैं अभी आज तक। चलते हैं वापस, अरे बंदर बहुत तंग मचाते हैं भाई। तो भाई ये हमारी अंतिम निवास की जगह है यहाँ पर, और इसको साफ सफाई काम चल रहा है, और देखिए ये पूरी सफाई कर दी सारी यहाँ पर, और यहाँ पूरे बेंच डले हुए थे, बेंच यहाँ पर सुबह उठा उठा के ट्रैक्टर से मैंने सब इसके अंदर नीचे लगा दिए हैं। करीब ये 8-10 बेंच थे, इनको ट्रैक्टर से उठा उठा के वहाँ से यहाँ ले आए हैं, और वो सामने वाले बेंच कल हटाएंगे उनको, फिर वो जगह भी बराबर करेंगे सारी, और इसको पूरा पक्का कर देंगे बढ़िया तरीके से इसको सारा। और ये अपना गुरुद्वारे कमेटी की तरफ से किया जा रहा है इस काम को, और आज लेबर 4-5 लेबर लगी हुई थी, बराबर कर दिया, और देखते हैं कल और कहाँ कहाँ करना है, कहाँ मलबा डालना है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो ये देखिए आप, अच्छा लग रहा है, थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी और पक्का ऐसे डल जाएगा फर्श इसका पूरा, तो ये घास फास जो होता है ये कुछ नहीं होगा इसमें, तो सारा ये पूरा बराबर करके इसको बढ़िया सा, तो बैठने की बढ़िया जगह बन जाएगी ये। तो कल इसमें और दिखाएंगा क्या काम होना कल, तो आप जुड़े मेरे ब्लॉग के साथ, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट करके बताना और शेयर करना। इसके पेड़ है, पेड़ों की सफाई नहीं की उन्होंने नीचे से, किसी जगह से छोड़नी पड़ेगी, ये सारा मलबा हटाना पड़ेगा, और ये शहतूत का पेड़ हो रहा है बड़ी बढ़िया, ये भी इसकी सफाई करनी पड़ेगी चारों तरफ से, ताकि ये तना मोटा होगा तो फिर इसमें दिक्कत ना हो। तो बाकी बेल बहुत चढ़ जाती है, इसको तो काटना पड़ेगा, तो कल और इसकी सफाई करेंगे सारी कटिंग वटिंग। तो ये तो पूरा साफ सफाई के अंदर काम आज तो 5-6 लग रही थी, और आज के ब्लॉग यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।